आूदूबूबल मिनाईानी बिसमी ठाट्यो बच्चा अलक् वल् वर्क मे उम्मीद कि तुषि ठीक यह कल सिक्स्थ मजमून उर्दू मौूच शैसूर टीपू सुलतान यहतब लैसन नम्बर टुवल तो पज नम्बर सोवनटी 72 पे टाटो बचो आज टीपू सुलानस मतलब यानी शेर में मुल मुल मैसूर यानि शेर उसमें लकब मूलमुत मैसूर चु जु नाव आज अमसी टीपू सुल्तानस मतलब परु जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तहरीकी शहर है आज से तकरीबन ढाई सौ साल पहले इस इलाक़े में हैदर अली नाम का एक सिपाही था वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुकुमरान बन गया यानी जुनूबी हिंदुस्तान मैसे तहरीकी शहर अख रियासत अख ये रियात शहरस नाव ना मैसूर आज से तकरीबन ढाई सौ साल पहले इस इलाक़े में हैदर अली नाम का एक सिपाही था आज ब्रोठ जो डाई हथी उस अत आला कस्मन अख फوجی अख अख सेपई अख यसन नाव उस हैदर अली वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया यानी युसी है हैदर अली उस पनी हिम्मत सथ पनी हौसले सथ हसे गोयितो तरक्की करान और बनाओ इम मैसूर ची रियासत हुकुमरान यानि यु जन मैसूर मैसूर रियासत ओस अमो बनाव हुकुमरान यानि अत पे हुकूमत करनी अठारहवीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपना इकतदार कायम कर लिया था अर्दहवीं सदी हंदिस आखिरी हिस्स मज हा कौर अंग्रेज़ों मद्रास पे पन इकतदार कयम यानि तम हस लग अत हुकूमत करनी वो चाहते थे कि एक एक करके जुनूबी रियातों को जैर कर ले, अपनी हुकुमरानी कर कायम कर ले। तम अंग्रेज ये अगर गच तमाम जुनूबी रियात जै करें, यानी काबू करें प्निस कबजस मं और ताकि ते पान हुरानी अंग्रेज़ों ने बस देशी रियास्तों की मदद से हैदर अली की कौत को कुचलना चाहा यानि यम जन अंग्रेज

लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई लेकिन इन मीज हैदर अली भी अंग्रेजों की चालों को खूब समझ रहा था युजन अली उस जन उस अंग्रेज़न हज चाल खूब समझान उसने तनि तनहा अंग्रेजों को पे दर पे शखस्त देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया यानी कनेदर अली सोस हा दि अंग्रजन मुसलसल हा दिन तिन् शिकस्त यानि पंग जंग न पे दर पे और मनवाइन हसई पन बहादुरी यानी यानि हूनुख हसा पनता कर हसा तट बचो लोल्हन वालिया गोयल करवाना सन सत्रह सो बयासी ईस्वी में उसका इंतक़ाल हो गया सन सदा शत दशीत मा हा गो हैदर अली सुन इंतकाल उस वक्त उसके बेटे फतेह अली टीपू की उम्र बीस साल थी यानि तम सात यम सात इंतकाल गो सन सदा शत दशीत मं तम सात हसो तस नचो फतेह अली टीपू सो हूर हैदर अली ने टीपू की अली तरीन इंतजाम किया था यानी हैदर अली सो तम हसो पचि सद खर अली इंतजाम तो करोमुत और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी तमस हास्स ये तरब वो अपने बाप की तरह बाहमत हौसला मंद और दिलेर था उसा यह फतह अली टीप उस सह उस पे मल सद पाहमत यानि हमत वो हौसला मंद यानी सो हा यानी बामत यानि जुड़त वो हौसलों वो उस बैं वोल, हा उस दलर या में भी टीपू को शिकार शेर का शिकार बहुत पसंद था े सर वफ्रीस दौरान सुन सकार कर पसंद वो तलवार से शिकार करता सो तलवारि सत्या शिकार कर शो बंदूक से मारना बुद्दी समझता यानी शेर बंदूक सतर मार् बुजिली ते हाँ वन सो बुजिल बंदूक से मारि उसके तखत निशान होने से पहले का वाक़ है यानी टटो बचो तखत निशान गो तखत पर बैठना यानी बादशाह हो जाना यानी बादशाह बन ब तख्त बहन कुर्सी पे बहन वाका हम वाक च एक रोज़ टीपू एक फ्रांसी अफसर के साथ को गया क्या अक हा गो टीपू अफसर सिकार शिकार शेर सामने आया तो शेर शा ब्रोकन तो अफसर ने बंदूक तान ली अफसर ना बंदूक खड़ा टीपू ने उसको रोक दिया टीपू ने रुको ये भांसिया अफसर उधर शेर तेजी से इन दोनों पर लपका सो हंसा और शेर हंसा और तेजी सांत सेना से में दोष वह एंपैट्रॉट टीपू ने बिजली की थी इस तेजी के साथ जबड़कर शेर पर वार किया यानी टीपू ने ऐसे कोरे में अलग वार और तलवार के एक ही वार में शेर की चारों टांगे उसके जिसम से अलग कर दी और टीपुन हसा करलवार सी तलवार अके दब सन्द स जंग अम्स जिसमें नीश अलग फ्रांसी अफसर ये देख देख कर दंग रह गया फ्रांसी अफसर इस ये वीचित हसा गोरान इस वाक़ के टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किए जाने लगा एम वाक़ पग ट टीपस शसूर ना सनी अथी अथी युजन यह वकाव युजन इम यह अके वार सेट शेर सुन्स जंग जिसम निश अला कर इमी वाका सेट हसे मूल इमस यह लकब शेरे मैसूर पता से लगी इमस इमी नाव सेट याद करनी ताठो बचो मेचे उम्मीद के तो याचो यह सबक समझामुत बाकी वस